आरसीआई एजुकेशन हब पानसुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अपन हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र के ऊपर बात कर रहे थे, यानी काव्य शास्त्र का दूसरा अंग छंद के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो छंदों में हम पढ़ रहे थे छंदों के अवयव, छंदों के अवयव। तो छंदों के अवयव के ऊपर बात चल रही थी अपनी। तो दो अवयव तो मैंने पढ़ा दिया था, एक तो वर्ण और एक मात्रा। ठीक है, वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होती है, मात्रा कितने प्रकार की होती है, मात्रा लगाने का क्या नियम होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब तीसरा अवयव यति के ऊपर बात चल रही थी। यति होती क्या है, यति होती है ठहराव, यानी इसको अपन ठहराव कह सकते हैं हिंदी की भाषा में, इसे गद रचना में अल्प विराम कहते हैं, यानी इसका सिंबल अल्प विराम का ये होता है, तो यति का सिंबल भी यही होता है। ठीक है, अब यति का उपयोग कहाँ होता है, जब कोई कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते समय कुछ क्षण के लिए रुकता है और वहां पर रुककर पुनः आगे बढ़ जाता है, पुनः आगे बढ़ जाता है, कुछ क्षण के लिए ठहरता है, वहां होता है यति का उपयोग। यति का उपयोग एक निर्धारित स्थान के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण बताया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। देखो ये यति है, अब हर जगह यति नहीं लगाई जा सकती, इसके लगाने का भी एक नियम होता है, एक निर्धारित मात्रा या वर्णों के बीच यति का उपयोग होता है। ठीक है, तो एक यति लगाने का भी अपना एक निश्चित तरीका होता है, क्योंकि अपन ने छंद की परिभाषा में पढ़ा था यति गति मात्रा और वर्ण, इन चारों से जो संचित रचना होती है वो होती है छंद। चौथा अवयव चल रहा था अपना गति। गति क्या होती है, चरण या पाद, यानी किसी भी चरण के जो किसी भी पद होता है या कोई भी चरण होता है, कोई भी चरण या पद को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने पर, प्रभावशाली ढंग से पढ़ने पर जो लय में उतार चढ़ाव होता है, किसमें उतार चढ़ाव होता है, लय में, किसमें उतार चढ़ाव हो जाता है, लय में उतार चढ़ाव महसूस होता है, वो होती है गति। हिंदी में वो होती है गति। ठीक है भाई, कोई भी पद है, कोई भी चरण है, उस चरण को, उस पद को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के लिए एक निर्धारित लय होती है, उस लय का उपयोग करके उस पद का उच्चारण किया जाता है, वहां होती है गति। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी कहे न उबरे मोती मानुष चुन। तो एक पद के ऊपर तो मैं कम बल दे रहा हूं और दूसरे चरण के ऊपर अधिक बल दे रहा हूं, तो लय में उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं हुआ, ये उतार चढ़ाव ही क्या है, गति है। तो ये अपना छंद का एक अगला अवयव कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक और अवयव के ऊपर बात करते हैं। पांचवा जो अवयव और होता है वो होता है तुक। क्या होता है, तुक होता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, तुक होता क्या है। ठीक है, यानी तुक किसे कहते हैं, तुक, तुक क्या होता है, किसी भी चरण के अंत में, किसी भी चरण के, किसी भी चरण के अंत में, किसी भी चरण के अंत में एक समान, एक समान दो ध्वनि, एक समान दो ध्वनि आ जाए, किसी भी चरण के अंत में एक समान दो ध्वनि आ जाए या उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसे काव्य की भाषा में क्या कहा जाता है, उसे काव्य में तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुक, तुक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है भाई, तो तुक क्या हुआ, किसी भी चरण के अंत में एक समान दो ध्वनि आ जाती है। जैसे अपन अलंकार पढ़े थे, अलंकार में एक अलंकार बताया था मैंने, अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में एक और भेद पढ़ाया था, अलग अनुप्रास अलंकार के चार भेद पढ़ाए थे। देखो, पहला छेका अनुप्रास, दूसरा
कौन सा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और चौथा अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास में क्या होता है, चरण के अंत में एक समान दो वर्ण आ जाए, वही बात यहां चल रही है। ठीक है, किसी भी चरण के अंत में एक समान दो ध्वनि आ जाए, यानी एक समान दो वर्ण आ जाते हैं, वहां पर तुक होता है, यानी उसे क्या कहा जाता है, तुक कहा जाता है। देखो कई बार अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कह देते हैं कि तुम्हारी बात का कोई तुक नहीं है, अर्थात कोई निर्धारित स्थान नहीं है। ठीक है, एक निश्चित जो स्थान होना चाहिए वो स्थान नहीं है। तो तुक क्या होता है, किसी भी ध्वनि के चरण के अंत में एक समान जो दो ध्वनियां उत्पन्न हो जाए वो होती है तुक। तुक तुकों से जो निर्मित रचना होती है उसको बोलते हैं तुकबंदी। क्या बोलते हैं, तुकबंदी। तुकबंदी क्या होती है उसके ऊपर बात करते हैं। तुकबंदी होती क्या है भाई, सीधी सी बात है, तुकों से निर्मित रचना, तुकों से निर्मित जो रचना होती है, तुकों से निर्मित रचना, तुकों से निर्मित रचना को तुकबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुकबंदी कहा जाता है, तुकबंदी कहा जाता है। ठीक है, तुकों से निर्मित रचना को क्या कहा जाता है, तुकबंदी कहा जाता है। जैसे अपन बात करें कि कोई बात का अगर सामान्य अर्थ नहीं निकल पाता है, सामान्य अर्थ नहीं होता है, तो वो तुक होता नहीं है, यानी कि उसका कोई तुक माना जाता ही नहीं है। इस तरह से तुकों का कोई निर्धारित स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तुक क्या होता है, किसी भी चरण के अंत की अंतिम ध्वनि होती है। जैसे दीपक के जीवन में आली, उदाहरण है दीपक के जीवन में, दीपक के जीवन में आली, 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 फिर भी जीवन में है लाली, दीपक के जीवन में आली फिर भी जीवन में है लाली। अब देखो एक चीज, अंतिम दो ध्वनि एक समान नजर आ रही है या नहीं आ रही, भाई दीपक के जीवन में आली, आली का मतलब क्या होता है, सखी होता है, और एक आली होता है भौरा। क्या होता है, भौरा। तो दीपक के जीवन में आली फिर भी है जीवन में लाली, तो यहां पर एक समान ध्वनि उत्पन्न होने के कारण यह रचना क्या हुई, तुकबंदी हुई, यानी इसे क्या कहा हमने, तुक कहा। ये तुक होता है और इन्हीं तुकों से निर्मित जो रचना होती है उसको कहा जाता है तुकबंदी कहा जाता है, अर्थात उस निर्मित रचना को क्या कहा जाता है, तुकबंदी कहा जाता है। तो ये होता है तुक और तुकबंदी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, ये तो थे छंदों के अवयव, छंदों के अवयव। अब छंदों के कुछ उपभेद भी होते हैं भाई, छंदों के कितने भेद होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और छंदों के उपभेद कितने होते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो छंदों के कितने उपभेद होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले छंदों के भेद, छंद की, छंदों की भेद, छंदों के भेद, छंदों के भेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो छंद के दो भेद होते हैं, सीधी सी बात है, छंद के कितने भेद होते हैं भाई, दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद, एक तो कौन सा छंद, मात्रिक छंद, एक तो होता है मात्रिक छंद, और दूसरा होता है वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। ये दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती होती है, वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। ठीक है, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती होती है, वार्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। अब देखो मात्रिक छंदों में मैंने बताया था कैसे करनी है, लघु गुरु,
इन दो मात्राओं के रूप में अपन को मात्रिक छंदों की गिनती करनी है। इसमें वर्णिक छंदों में तीन वर्णों को मिलाकर एक गण का निर्माण करेंगे, यानी तीन वर्णों से मिलकर क्या बनेगा, एक गण बनेगा, और उस गण के आधार पर हम वर्णिक छंदों की गिनती करेंगे। तो ये तो मात्रिक छंदों की हुई बात, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, कल की क्लास में बताया था मात्रा कितनी होती है, मात्रा लगाने का नियम क्या होता है, किस तरह से मात्राएं लगाई जाती है, उसके ऊपर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये छंदों के भेद हैं। छंद कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक तो मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद जहां पर मात्राओं की गिनती करें, या जो छंद या जो छंदबद्ध रचना केवल मात्रिक छंदों के आधार पर निर्मित होती है वो मात्रिक छंद होते हैं, और जो छंद रचना वर्णों के ऊपर निर्मित होती है वो वर्णिक छंद होता है। तो इस तरह से छंदों को हम दो भागों में बांटते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंदों के रूप में। अब बात करें हम तो छंदों के उपभेद, छंदों के उपभेद, तो छंदों के उपभेद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए छंदों के उपभेद कितने होते हैं, ठीक है, छंदों के जो उपभेद होते हैं वो कितने प्रकार के उपभेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो छंदों के उपभेद के ऊपर बात करते हैं, छंद के उपभेद, छंद के उपभेद, छंद के कितने उपभेद होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, छंद के उपभेद, पहला एक होता है समछंद, समछंद, एक होता है अर्धसमछंद, समछंद, अर्धसमछंद, अर्धसमछंद, ठीक है, और तीसरा होता है विषमछंद। कौन सा छंद, विषम छंद। ये छंद के तीन उपभेद होते हैं, समछंद, अर्धसम छंद और विषम छंद। तो छंद के भेद तो कितने हुए, दो, कौन कौन से, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, अब छंद के उपभेद के ऊपर बात करते हैं, तो छंद के तीन उपभेद होते हैं, समछंद, अर्धसम छंद और विषम छंद। अब ये होते क्या है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला लेके चलते हैं समछंद, यानी समछंद किसे कहते हैं, इन्हें कहेंगे समछंद। देखिए सम का मतलब समान, समान, ठीक है, सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समान, यानी प्रत्येक चरण समान हो, प्रत्येक चरण क्या हो, समान हो, प्रत्येक चरण समान होना चाहिए, समान। ठीक है, अब वो प्रत्येक चरण समान किसके आधार पर, चाहे मात्राओं के आधार पर हो और चाहे वो वर्णों के आधार पर हो, यानी कहने का मतलब सम छंद कहां होगा, जहां प्रत्येक चरण समान हो। ठीक है, प्रत्येक चरण क्या हो, समान हो, चाहे मात्राओं के आधार पर हो और चाहे वो वर्णों के आधार पर हो, दोनों के आधार पर प्रत्येक चरण क्या होना चाहिए, समान हो। वहां कौन सा छंद होता है, सम छंद होता है, वहां कौन सा छंद होता है, सम छंद होता है। समझ में आ गई बात। दूसरा देखो, सम छंदों में जैसे बात करते हैं हम, सम छंदों में जैसे चौपाई छंद है, चौपाई छंद, ये सम मात्रिक छंद है। चौपाई छंद कैसा छंद है, सम मात्रिक छंद है, क्योंकि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस छंद में प्रत्येक चरण समान होना हो, चाहे वो मात्रा के आधार पर हो और चाहे वो वर्णों के आधार पर हो, प्रत्येक चरण समान होना चाहिए, वो छंद कौन सा माना जाएगा, सम छंद माना जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अर्धसम छंद, कौन सा छंद, अर्धसम छंद, अर्धसम छंद के ऊपर बात करें तो देखो अर्धसम छंद होता क्या है। ठीक है, अर्धसम छंद, भाई अर्धसम का शाब्दिक क्या हुआ, आधा समान, अर्धसम का मतलब क्या हुआ, आधा समान, यानी आधा समान होना चाहिए, यानी
प्रत्येक चरण आधे आधे रूप में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चरण के अंत में पहला और तीसरा चरण क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। पहला और तीसरा चरण अर्थात विषम चरण। कौन से चरण? विषम चरण। क्योंकि पहला और तीसरा चरण कौन सा होता है, विषम चरण। तो पहला और तीसरा चरण क्या हो, समान हो, ठीक है, यानी विषम चरण क्या हो, समान हो। तथा दूसरा और चौथा चरण यानी समचरण, दूसरा और चौथा चरण यानी समचरण, समचरण क्या हो, समान हो। क्या हो भाई, समान हो। भाई सीधी सी बात है, पहला और तीसरा चरण समान होना चाहिए। पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है, विषम चरण कहा जाता है। दूसरे और चौथे चरण अर्थात सम चरणों को समान जो चरण होते हैं, दूसरा और चौथा चरण उसको सम चरण, ठीक है। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। तो विषम संख्या पहली और तीसरे, दूसरी और चौथी सम। तो सीधी सी बात है, पहला और तीसरा चरण समान हो, दूसरा और चौथा चरण क्या हो, समान हो। इन दोनों चरणों में इस तरह से समानता नजर आई, वहां कौन सा छंद होता है, अर्धसम छंद होता है, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, सम छंदों में तो चारों चरण क्या हो, समान हो, अर्थात प्रत्येक चरण क्या हो, समान हो, ठीक है। और दूसरा अर्धसम छंद, अर्धसम छंद में क्या होता है, पहला और तीसरा चरण समान हो, दूसरा और चौथा चरण समान हो। जैसे बात करें, जैसे दोहा, जैसे दोहा सोरठा, ठीक है, दोहा सोरठा, गीतिका, ठीक है, गीतिका, हरि गीतिका, बहुत सारे छंद हैं जो अर्धसम छंद के अंतर्गत आते हैं। यानी इन छंदों को कौन सा छंद कहा जाता है, अर्धसम छंद कहा जाता है। ये है अपने अर्धसम छंद। तो ये अपने छंद का दूसरा उपभेद पड़ा, अर्धसम छंद, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे वो तीसरे उपभेद के ऊपर करेंगे, वो तीसरा उपभेद कौन सा आता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो तीसरा उपभेद आता है अपना कौन सा, विषम छंद। कौन सा छंद, विषम छंद। तो विषम छंद होते क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए विषम छंद क्या है, विषम छंद क्योंकि अपना तीसरा उपभेद है, ठीक है, विषम छंद के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।